नमस्कार मैं रीना आप देख रहे हैं विंद भारत नगर की सरकार चुनने के लिए अब जनता हो गई जागरूक किस पार्षद को विजय दिलाना है जनता ने मन में ठान ली है नगर पालिका सीधी अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 से भाजपा से प्रत्याशी उत्तरा वर्मा चुनाव मैदान में है उनका जनता के प्रति काफी सहयोग मिल रहा है हर वर्ग के मतदाताओं के साथ है सहाय स्वभाव की महिला होने के कारण उनका समर्थन भरपूर है उन्होंने जनता एवं मतदाताओं से क्या कहा सुनिए हमारे संवाददाता जगन्नाथ द्विवेदी वृजेश पांडे के साथ सबसे पहले मैं अपनी चयनकर्ता जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैं पूरी तरह से उनके विश्वास में खरी उतरने की कोशिश करूँगी पूरी ईमानदारी से काम करूँगी क्या लगता है कि नगर पालिका क्षेत्र में जो पहले कांग्रेस के जमाने में अतिक्रमणकारी थे उन्हें हटाने का काम किया जाता था आज भाजपा उन्हें क्या योगदान दे रही है क्या उनकी सेवा कर रही है। जैसे अतिक्रमण हटता था छोटे व्यापारी हैं तो रोड के किनारे दुकान लगाए हैं अपनी ठेला सब्जी बेच रहा है कोई कुछ बेच रहा है तो वो बहुत परेशान हो जाते थे क्योंकि उनके पास कम पूंजी होती है और जहां वो उनका काफ़ी नुकसान हो जाता था तोड़ फोड़ करते थे जब तो हमारी जो मुख्यमंत्री योजना के तहत उन्होंने दस हज़ार रुपये हर व्यापारी छोटे व्यापारियों को दिया है कि आप ठेला खरीदो और उसमें अपना चलता फिरता बिजनेस करो तो इससे उनको भी फायदा है अपना ठेला लेके सब्जी बेच रहे हैं कोई फल फूल बेच रहा है मूँगफली का ठेला कुछ भी बेच सकते हैं कपड़े बेच सकते हैं छोटे छोटे दुकानदार बहुत फायदा है उनको शहर कोई स्मार्ट सिटी की सौगाज मिली उसमें अभी बहुत सुविधाएं नहीं देखने को क्या कहेंगे वो शुरुआत हो गई है बहुत काम हो रहा है जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ा भव्य बस स्टैंड बन रहा है और यहाँ गांधी चौक में इतना बड़ा पार्किंग स्थल बना है पूरे गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं बहुत बड़ा बना है सूखा नाला है जो उसके किनारे सड़क बन गई है इससे क्या होगा कि कुछ लोग उस रोड से निकल जो पब्लिक जाम लगता है भीड़ होती है तो इस इसको भी थोड़ी सी मदद मिले आवागमन का साधन एक मार्ग और बन गया तो ये सब बहुत काम हो रहा है फिर धीरे धीरे होता जा रहा है और आगे भी हो नगर पालिका में भी विकास की बहुत उम्मीदें हैं स्वच्छता अभियान भी खिलाफ है जी। और आप जनता के बीच जाते होंगे समस्या जी।, जी को जनता बताती होगी क्या लगता है कि नगर पालिका में नाली सहित और अन्य समस्याएं अभी भी आपके वार्ड में भी हो क्या उससे मिलेगा देखिए थोड़ी बहुत समस्याएं सब जगह होती है हमारे बाढ़ में भी हैं और अन्य बाढ़ों में हैं तो हम लोग उसमें ध्यान दे रहे हैं फोकस कर रहे हैं जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम देखते हैं और उनका नंबर भी ले लेते हैं हम लोग और बारिश का समय आ रहा है तो स्वाभाविक है कि वहाँ सफाई होनी चाहिए नहीं तो पूरे मोहल्ले में फिर बदबू आएगी बीमारी फैलेगी तो वो उसके बारे में भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं उनका नंबर ले रहे हैं और नगर से हम लोग उनको बताते हैं कि यहाँ हाँ और सफाई की ज़रूरत है और वो लोग कर भी रहे हैं